तो महिलाएं महफूज क्यों नहीं है, हमारा आज का मुद्दा का यही सवाल है। दिल्ली से सटे नोएडा और गाजियाबाद में रेप की वारदात सामने आई है। नोएडा में मेट्रो स्टेशन के पास से महिला को अगवा किया गया। पूरे मामले में फिलहाल महिला मेडिकल टेस्ट के इंतजार कर रही है। उधर गाजियाबाद में भी नर्स के साथ बलात्कार का मामला सामने आया है। सवाल सबसे बड़ा यह है कि महिलाएं महफूज क्यों नहीं हैं। हम इस पर चर्चा करेंगे, उससे पहले इस रिपोर्ट को देखते हैं और वापस लौटेंगे, अपने खास मेहमानों से आपका तारुफ कराएंगे। छात्रा से रेप के आरोप में फलाहारी महाराज गिरफ्तार। भोजपुरी एक्ट्रेस ने लगाया रेप का आरोप, आरोपी एक्टर की हुई गिरफ्तारी। यूपी में भी रेप की वारदात से मचा हड़कंप, हर जगह आधी आबादी खौफ में नजर आती। सबसे खौफनाक घटना दिल्ली से सटे नोएडा में हुई। शुक्रवार को नोएडा के सेक्टर 39 में वारदात को अंजाम दिया गया। यहां मेट्रो स्टेशन के पास से एक लड़की को अगवा कर लिया गया। बताया जा रहा है कि चलती कार में लड़की से गैंगरेप किया गया। वारदात के बाद महिला को दिल्ली में फेंक दिया गया। लड़की ने दिल्ली पुलिस को शिकायत की। दिल्ली पुलिस ने मामले को नोएडा रेफर कर दिया। नोएडा के सेक्टर 39 में मुकदमा दर्ज किया गया। 6:30 बजे के आसपास गोल्फ कोर्स स्टेशन मेट्रो स्टेशन के पास वो खड़ी थी। रास्ता पूछने के बहाने स्कॉर्पियो सवार दो जवान रुके। जो पीछे बैठा था उसने उसे अपनी गाड़ी में बैठा लिया, फिर उसे नोएडा ग्रेटर नोएडा ये सब घुमाते हुए लेकर के वो दिल्ली गए। उसके साथ उन्होंने बलात्कार किया और अक्षरधाम मंदिर के पास उसे उतार दिया। रेप की एक और वारदात दिल्ली से सटे गाजियाबाद में हुई है। गाजियाबाद के सिंगनी गेट इलाके में नर्स से बलात्कार का मामला सामने आया है। नर्स से लूटपाट भी की गई। चल करके अपने घर जा रही थी तो रास्ते में ही वरदान हॉस्पिटल के जस्ट आगे एक टी पॉइंट बनता है कि जो कि सिक रोड गाँव को जाती है, वहाँ पर दो लड़के जो है रास्ते में खड़े मिले तो उनको देख करके उसने मोबाइल से कुछ फ़ोन करना चाहा, संकेत देना चाहा, जिस पर वो दोनों लड़के आए, मोबाइल छीन लिया और उसको घसीट करके जो है वहीं पास में जो है मोदी का खेत, धान का खेत है, जिसमें ले जा करके उन लोगों ने गैंगरेप किया था। मुरादाबाद में भी रेप की वारदात सामने आई है। यहाँ हड़थला रेलवे स्टेशन के पास रेप की घटना हुई है। बाजपुर काशीपुर के रहने वाली है, उसका कहना है कि वो अपनी बेटी से मिलने नूरपुर जा रही थी और ट्रेन पर चार लड़कों ने उसको शराब पिलाया और शराब पिला करके हड़थला में ला करके किसी कमरे में उसके साथ दुष्कर्म किया। लगातार घटनाएं हो रही हैं। प्रशासन पर तो सवाल है ही, सवाल समाज से भी है। समाज संवेदनशील क्यों नहीं हो पा रहा? आखिर क्यों हमारे समाज में महिलाएं महफूज नहीं हैं? नोएडा से मनीष चौरसिया के साथ टीम न्यूज़ नेशन। तो सबसे बड़ा सवाल आज के मुद्दे में कि क्यों नहीं है महफूज हमारे देश की महिलाएं। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है, इनसे तारुफ कराऊंगे। आपका हमारे साथ विक्रम सिंह है, फॉर्मर DGPS के साथ शाइना एनसी है, बीजेपी लीडर है, मुंबई से हमारे साथ लाइव है। प्रियंका चतुर्वेदी कांग्रेस नेशनल स्पोक्स पर्सन मुंबई से मेरे साथ जुड़ चुके हैं। इसके अलावा वर्तिका नंदा कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगी। जितेंद्र यादव आप MLC समाजवादी पार्टी के लखनऊ से हमारे साथ हैं। शाइना NCD मेरा पहला सवाल आपसे, कल आज और कल नाम कल महफूज थे ना आज और ना कल महसूस कर पाते हैं। सवाल जो है उसको जवाब तो मिल जाता है लेकिन समाधान कहाँ है? समाधान जो है वो देश जानना चाहता है। शाइना NCG, सबसे पहले तो मैं कहना चाहती हूँ कि देश के हर एक महिला को महिला का समर्थन करना चाहिए हर एक मुद्दे पे। कहीं शोषण होता है, कहीं बलात्कार होता है, कहीं ऐसे केसेस हैं जो उजागर होते हैं जहां आपको यकीन में कह सकते हैं कि ये तो कलयुग है। लेकिन मैं मानती हूं कि भारत में जब एक पुरुष प्रधान देश में हम सामाजिक तौर पे पुरुष के जो मैं ट्रेनिंग तो नहीं कहूँगी लेकिन जो सम्मान का मुद्दा है वो शुरुआत होता है घर पे, और घर पे ये सोशल फैब्रिक कोई राजनीतिक दल
या कोई सामाजिक संस्था नहीं सिखा सकती है। मैं मानती हूँ कि महिला को ही ये शुरुआत करनी पड़ती है बच्चे की पैदाइशी से, और कहीं ना कहीं हमें ये देखना है कि प्रशासन के प्रति भी जो सवाल उठते हैं उनकी सहानुभूति को लेके, जब कोई FIR दर्ज होता है, जब से जुड़े सवालों को भी आपसे समझना चाहूंगा, माफ कीजिए बीच में आपको रोक रहा हूँ, आपको नहीं लगता कि संस्कारों के साथ साथ ये जो सिस्टमेटिक फेल्योर है इसको भी समझना होगा? एनसीआरबी बताती है कि साल 2015 में इस देश में 3 लाख से ज्यादा क्राइम अगेंस्ट वुमेन रजिस्टर हुए हैं, हर दिन 800 से ज्यादा, हर एक घंटे में 37 से ज्यादा, औसतन हर 2 मिनट में 3 अपराध हो रहे हैं इस देश में महिलाओं के लिए। वो राजनीतिक दल जो बदलाव की बात करते हैं सत्ता में आ जाए तो भी क्या महिलाओं के लिए कुछ बदल पाता है? सवाल ये, देखिए जो इतने केसेस रजिस्टर हो रहे हैं तो एक चीज उससे भी स्पष्ट होता है कि लोगों को और खास तौर से महिलाओं को झिझक जो पहले होती थी वो नहीं है, वो आगे आके अपने कंप्लेंट्स रजिस्टर कर रहे हैं, उनको विश्वास है समाज में। एक तरफ से आप देखें तो जो राजनीतिक इच्छा शक्ति की आवश्यकता थी वहां आप देखते हैं कि ये कंप्लेंट्स दर्ज होने के बाद कन्विक्शन रेट कितना बढ़ा है। लेकिन कन्विक्शन रेट भी नहीं बढ़ा है शाइना जी, सिर्फ एक, लेकिन यहां पर क्या आपको नहीं लगता कि इन आंकड़ों का भी राजनीतिक तौर पर इस्तेमाल होता है? इन आंकड़ों का भी राजनीतिक तौर पर इस्तेमाल होता है करना बेमतलब होता है। हमारे स्टैटिस्टिक्स पे आप जाएंगे तो ये बहस चलते जाएगा। आंकड़ों का हम जिक्र कर रहे हैं, ये वो आंकड़े हैं, ये वो डेटा है जो कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के डेटा में रजिस्टर्ड है। इससे तरह हम बात करेंगे, जमीनी तौर पर बात करेंगे। प्रियंका जी, आपके लिहाज से ऐसा क्या है कि भाई सारी कोशिश होती है, चाहे वो लॉ के डर की बात करें, इम्प्लीमेंटेशन की बात करें, एग्जीक्यूशन की बात करें, लेकिन सबके बावजूद जो है हालात जस के तस हैं, डेटा अलग आते हैं, हकीकत कुछ और बयां करती है। देखिए, मैं आपको बस एक चीज़ कहना चाहूँगी, यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता शाइना जी बोल रही थी कि महिलाओं को महिलाओं का सम्मान करना चाहिए। बिल्कुल, मैं उनसे इस बात से सहमत हूँ, और उन्होंने ये भी कहा महिलाओं से अच्छी शैली से बात करना चाहिए और अच्छा व्यवहार करना चाहिए और हर से ये सीख मिलनी चाहिए। मैं इनको बस याद दिलाना चाहती हूँ किस तरीके से इनके खुद के पार्टी के नेतागण इस तरीके की भाषा इस्तेमाल करते हैं दूसरी महिलाओं के लिए, इनके पार्टी के प्रवक्ता किस किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते हैं महिलाओं के लिए, हमने तो कोई कार्रवाई नहीं देखी। आपके पार्टी में कितने सारे उदाहरण हैं। अगर आप हरियाणा देख लें, आप राजस्थान देख लें, आप मध्य प्रदेश देख लीजिए, मुझे प्लीज कंप्लीट करने दीजिए। मैं शाइना जी, मैं तो खुद अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बात कर रही हूँ। आपके खुद के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला जी ने जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल मेरे साथ टेलीविजन पे किया है और सोशल मीडिया पे किया है, और आप में से किसी एक ने जी, आपको पता है, हम नहीं सब किया, आपके साथ खड़े थे, प्रियंका चतुर्वेदी जो घटनाएं घट रही हैं हम उस पर बात करें तो ज्यादा बेहतर होगा, व्यक्तिगत ना होकर। पहले भारतीय मैं आपको बताना चाहती हूँ, जिन लोगों ने 2014 में इसको एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाया था, 2012 में जिस तरीके का राजनीतिकरण हुआ था, जब निर्भया का गैंगरेप हुआ था, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी सड़कों पे आई थी, कहा था कि उनके आने के बाद सब कुछ बदलाव होगा, उनके आने के बावजूद आप निर्भया फंड देख लीजिए अनयूज्ड है, आपने रेप क्राइसिस हजार करोड़ रुपए दिए जाते हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में रेप क्राइसिस सेंटर करेंगे, उसको खत्म कर आपने हर राज्य में एक रेप क्राइसिस सेंटर की बात की, फिर आपने कहा था कि महिलाओं पे अत्याचार कम होंगे, वो भी खत्म नहीं हो रहे हैं। लेकिन खुद के लेकिन जितेंद्र यादव साहब हुए, माफ कीजिए प्रियंका जी, आपको रोक रहा हूं, जितेंद्र यादव साहब आपसे समझना चाहूंगा, महिलाओं के उत्तर प्रदेश में आज एक के बाद एक 3 लगातार खबरें सामने आई, मुरादाबाद, नोएडा, गाजियाबाद, जहां पर अलग अलग महिलाओं को पीड़ित किया गया, उनके साथ बलात्कार हुआ। क्या आपको लगता है योगी आदित्यनाथ जिस बेहतर लॉ एंड ऑर्डर का आश्वासन दे रहे हैं ये खबरें उस आश्वासन की तस्दीक करती हैं? जितेंद्र यादव साहब, ये कोई प्रवचन का समय नहीं है जिस तरीके से भारतीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता बोल रही हैं। आज सत्ता इनके हाथ में है। मैं ये बात आपसे स्पष्ट करना चाहता हूं
कि आज से अब कुछ ही दिन पहले मोदी नगर में बलात्कार के दोषियों को वहां पर पुलिस ने पकड़ा, पकड़ने के बाद में क्षेत्रीय विधायक ने उनको उन्होंने छुड़ाया और छुड़ाने के बाद में उन्होंने जाकर के उसकी हत्या कर दी। इसका मतलब साफ है कि भारतीय जनता पार्टी का जो अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए वो नहीं हो रही। आज पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, योगी सरकार जो है, वो हर जगह विफल है। आपके सामने बराबर में विक्रम सिंह जी बैठे हैं, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि क्या पैमाना है जब पुलिस का मनोबल ये भारतीय जनता पार्टी के लोग गिराएंगे और अपराधियों के हौसले बढ़ाएंगे तो कहां से कानून व्यवस्था की होगी। आधी आबादी जो महिला है उसको एक अपराध रोकने के लिए क्या क्या इन लोगों ने क्या इन्होंने आज तक भी उत्तर प्रदेश में महिला आयोग का सिस्टम फेल हो जाता है हमारा। विक्रम सिंह साहब, जो पुलिस की संवेदनशीलता है और जो लॉ एंड ऑर्डर के जिस साख की बात की जाती है वो सब कुछ फेल हो जाता है। जिस दुस्साहस के साथ अपराधियों ने सेक्टर 39 हरतला और सिहानी गेट में बलात्कार किए हैं उससे ये प्रतीत होता है कि ट्रेडिशनल परंपरागत पुलिसिंग कहीं हो ही नहीं रही है। और वो ट्रेडिशनल पुलिसिंग क्या होती है? वो गश्त, गाड़ाबंदी, पेट्रोलिंग और सिक्योरिटी प्रोसीडिंग्स। कहीं भी कोई अवांछनीय तत्व जाता है उससे पूछा, रोको, टोको, पूछो। यहाँ पर ट्रेन में अगर पूछा जाता, यहाँ जो सीरिया या जो गैंग रेप हुआ है सेक्टर 39 में, वो अगर पेट्रोलिंग होती तो ये पूरी तरीके से ये स्कॉर्पियो गाड़ी घूमती नहीं नोएडा में। उसको 10 जगह नाके लगते, पूछते क्या हो रहा है। इसके अलावा पेट्रोलिंग का मतलब ऐसी व्यापक व्यवस्था गश्त की होती है कि कहीं भी कोई अवांछनीय तत्व हो तो उसके ऊपर निगरानी रहती है। सर्वेलेंस इसको कहते हैं कि कोई संदिग्ध चीज जा रही है उस पे कड़ाई से कार्रवाई होती है। निश्चित तौर पे वर्तिका नंदा हमारे साथ जुड़ी हैं। वर्तिका जी, स्वागत है आपका शो में। महिलाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए जो एहतियाती कदम उठाने चाहिए, घर से शुरुआत होनी चाहिए। घर से बाहर निकलती है महिला, वर्क प्लेस पर जाती है, कम्यूट करती है एक जगह से दूसरी जगह पे, लेकिन हर जगह पर जो है फ्लॉज नजर आते हैं। आपको क्या लगता है ऐसा क्या किया जाए? कानून के डर का हमने जिक्र किया, पुलिसिंग काम से जिक्र कर रहे हैं, सिस्टम भी काफी जो है उसमें लूप होल्स पाए जाते हैं। इसके अलावा ऐसा क्या ठोस आप देख पाती हैं, समझ पाती हैं और बता पाएंगी कि भाई इसमें जो है बहुत बड़ी कमी है, उससे उबरने की दरकार है? देखिए, मानसिकता बदलने की बात हम बहुत सालों से कर रहे हैं, हम कितनी मानसिकता बदल पाए, कानून बदलने की बात कर पा रहे हैं, कुछ हद तक हम कानून को बदल पाए। मुझे ऐसा लगता है कि असुरक्षा का मामला इस समाज में हमेशा ज़िंदा रहेगा। उसे निपटने के लिए सबसे ज़रूरी बात है कि हमारा कानून कड़ा हो। उसके अलावा मीडिया जब भी इस कानून को कड़ाई के साथ लागू होता है, उस खबर को जनता तक ज़रूर लाए। आम तौर पर होता यह है कि जनता या बहुत सारे लोग जो बार बार खास तौर पर अपराध करते हैं, वो ऐसा मानते हैं कि अपराध करने के बाद भी कोई बड़ी फ़र्क नहीं पड़ता, बहुत बड़ी कोई उथल पुथल नहीं आती ज़िंदगी में, इंसान आसानी से बच जाता है, जो कि बहुत हद तक सच नहीं है। जब भी कोई अपराध हो, अपराध होने के बाद अपराधी की स्थिति क्या है, ये बताया जाना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। आज जेलों को लेकर एक बड़ा सम्मेलन था दिल्ली में, मैं अभी उसी सम्मेलन से आ रही हूँ, और हमने देखा वहाँ कई कैदी अपने उस एक्सपीरियंस को बता रहे हैं कि जेल की पहली रात उनकी कितनी त्रासद थी। अगर कोई अपराधी ये बताता है और बार बार ये बताता है कि अपराध को करने के बाद कैसे उनका जीवन पूरी तरह से खत्म हो जाता है, कैसे उनके परिवारों पर असर पड़ता है, तो मेरा ख्याल है उसका असर लोगों पर पड़ेगा। हमारे सवाल ये भी है कि जो लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ा पूरा सिस्टम है वो दरअसल में करता क्या है, और जो सत्ता में लोग बैठे हैं क्या उनकी प्राथमिकता में कहीं होता है कि आज देश की आधी आबादी सुरक्षित रह सके? तो महिलाएं महफूज क्यों नहीं है, हमारा आज का मुद्दा यही है। खास मेहमान हमारे साथ लगातार है, शायना एनसी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। आपने जिक्र किया था चर्चा की शुरुआत में कि आंकड़ों से परहेज करें, अगर आंकड़ों में हम घुस गए तो बहस जो है बहुत लंबी खींचेगी, लेकिन यही वो आंकड़े हैं, यही वो डेटा है और यही वो स्टैटिस्टिक्स हैं जो तस्दीक करते हैं कि लगातार चाहे वो रेप के मामले हो, डोमेस्टिक वायलेंस की बात करें, स्टॉकिंग की बात करें, सेक्सुअल इंडिस्क्रिमिनेशन की बात करें, जो तस्दीक करते हैं कि लगातार महिला के खिलाफ इन आंकड़ों के जरिए ही इजाफा क्राइम में होता जा रहा है। साइना जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है, लेकिन प्रियंका चतुर्वेदी आपसे समझने की कोशिश करेंगे, केंद्र सरकार से जैसे ये सवाल पूछा जाता है वो कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर राज्यों का विषय है, जब राज्यों से सवाल करते हैं कि देखिए साहब आंकड़े बढ़ रहे हैं तो हवाला दिया जाता है कि जागरूकता बढ़ रही है, पुलिस के प्रति विश्वास बढ़ रहा है, इसलिए आंकड़े बढ़ रहे हैं। क्या इस तर्क, क्या इस दलील पर वाकई यकीन किया जाना चाहिए या ये स्थिति की भयावहता को दर्शाता है? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल दलील पे भरोसा करना नहीं बनता है, सिंपली बिकॉज अगर आप सारे राज्यों में देखेंगे
कोई भी ऐसा एक राज्य नहीं होगा, और मैं इसमें राजनीति से उठकर कहूंगी कि महिला होने के नाते कोई भी एक राज्य नहीं होगा जिसने महिला सुरक्षा को सबसे अपनी बड़ी जिम्मेदारी माना हो और ये सोचा हो कि उनकी देश की 50% जो आबादी है उनकी सुरक्षा और उनके सम्मान के लिए क्या क्या काम होना ज़रूरी है या उनको एक प्रायोरिटी पर रखना ज़रूरी है। सारे आप स्टेट के बजट्स देखेंगे, कहीं भी महिलाओं के हेल्थ को लेकर या महिलाओं की सेफ्टी को लेकर प्रायोरिटी नहीं दिखती है। तीसरी चीज़ यहाँ पे कहूँगी कि आप कन्विक्शन रेट की ये बात कर रही थी, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता बात कर रही थी, कन्विक्शन रेट जो सबसे लोएस्ट हैं वो इन्हीं राज्यों में हैं जो भारतीय जनता पार्टी शासित है। और मैं इसमें राजनीति नहीं करना चाहती हूँ, पर एक मैसेज जो होता है लॉ एंड ऑर्डर संभालने का सरकार की जिम्मेदारी होती है, बिल्कुल राज्यों की जिम्मेदारी है। और अगर इस तरीके के मामले एक के बाद एक सामने आ रहे हैं तो सीधा सवाल पूछा जाना चाहिए राज्य सरकारों से कि आप सत्ता में हैं क्यों, अगर हैं तो फिर ये हो क्या रहा है। और ये सब कुछ समझने की कोशिश करेंगे, इसके पीछे के कुछ और क्या कारण हो सकते हैं ये भी जानने की कोशिश करेंगे। सीधे चलेंगे एक बार साइना एनसी के पास। साइना जी, आपसे समझना चाहेंगे, उत्तर प्रदेश में जब सरकार बनी तो एक बड़ा मुद्दा था लॉ एंड ऑर्डर का, लेकिन आंकड़े बताते हैं विधानसभा में सरकारी की सत्ता में आने के 3 महीने के भीतर भीतर 800 से ज्यादा बलात्कार हुए हैं उत्तर प्रदेश में, हर दिन 10। क्या कहेंगे आप? देखिए, आप सिर्फ बात कर रहे हैं कि कौन से ऐसे केसेस हैं जो रजिस्टर हुए हैं। मैम, ये कहना चाहती हूँ कि महिला बाहर आके अपना कंप्लेन दे रही है तो इसका मतलब कि उनको विश्वास है सरकार में। समझ लीजिए कि 15 साल बाद मैं सवाल ये पूछ रहा हूं कि ये हो क्यों रहा है, लेकिन एक नेशनल ड्राफ्ट वो आ रही है, ये उनकी हिम्मत की बात है, लेकिन ये हो क्यों रहा है? जो 15 साल बाद जहां महिलाओं के इतने सारे मुद्दे हैं, साइना जी मेरा सवाल ये है कि लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त क्यों नहीं है? नहीं कर रहे हैं, पनिशमेंट की बात कर रहे हैं। आप क्या कदम लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं वो बताएं, एक प्रदेश की बात नहीं है। मैं पूरे देश का आंकड़ा बता चुका हूँ, 3 लाख से ज्यादा सवाल मुझे पूछा या किसी और को? आपको साइना जी बताइए, जवाब लेकिन जो पूछ रहा हूँ वो बताइएगा, निवेदन है आपसे या कोई और? साइना जी आप ही बताइए। मैं आपसे प्रधानमंत्री के जितने भी योजनाएं हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मुद्रा बैंकिंग, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को आप देखें तो 20% का फर्क पड़ा है। साइना जी मैं पूछ रहा हूं बलात्कार क्यों हो रहे हैं एक दिन में 10? मैं मानती हूं कि बहुत सारे ऐसे, साइना जी सवाल समझिए, जिसको एक साल में 3 लाख से ज्यादा मामले क्यों हो रहे हैं, एक दिन में 10 बलात्कार उत्तर प्रदेश में क्यों हो रहे हैं? सरकारी आंकड़े हैं ये, हमारे जिम्मेदारी, हम हमारे जिम्मेदारी से हट नहीं रहे हैं। कानून के खौफ के साथ साथ प्रशासन में जो परिवर्तन लाने की कानून का खौफ है क्या, जहां कन्विक्शन रेट 3 महीने में 800 बलात्कार एक राज्य में, क्योंकि अगर आप अपनी कन्विक्शन रेट को देखें, कन्विक्शन रेट कहीं नहीं बढ़ा है, 20% है कन्विक्शन रेट, 20% में जिसमें ओनस ऑफ प्रूफ, तो आप जवाब दीजिए साइना जी, ईमानदारी से जवाब दीजिए, आप कहिए कि हाँ लॉ एंड ऑर्डर के मोर्चे पर विफल हैं। ईमानदारी से जवाब दे रही हूँ, दीजिए जो आंकड़े आपके सामने हैं उससे एक चीज स्पष्ट है कि आज महिला को जो समर्थन सरकार के तरफ से मिल रही है इसलिए वो अपने आप, साइना जी आप फिर वही बात दोहरा रही हैं, जाके मैं पूछ रहा हूँ 3 महीने में 800 बलात्कार क्यों कि प्रोसिक्यूशन, साइना जी 3 महीने में 800 बलात्कार क्यों? सवाल ये है मेरा, प्रिवेंशन कर पा रहे हैं? आप आगे की बात बता रही हैं कि हम क्या काम कर रहे हैं कल्याण के लिए, तो कहना बहुत ही निंदनीय है सोचने की बजाय 21% है केवल कन्विक्शन, केवल 21% सरकारी आंकड़े हैं ये, की बात ये दर्शाता है पूरे सिस्टम की विफलता को। आप लग रहा है जवाब देना नहीं चाह रही हैं विक्रम सिंह साहब, अगर कन्विक्शन रेट 21% है तो इसका मतलब क्या है? रेट इतना कम है, और साइना जी मैं आपकी संज्ञान में लाना चाहूंगा, सुन लीजिए साइना जी, क्या आपने 166 AIPC जो 13 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट के बाद निर्भया के बाद उन पुलिस कर्मियों के लिए बना है जिन्होंने वो कार्रवाई नहीं की जो वांछित थी? आपके आंकड़े बिल्कुल ही शर्मिंदा करने वाले हैं। 21% अगर कन्विक्शन है तो इसका मतलब क्या है जी? 21% अगर कन्विक्शन रेट है तो इसका मतलब ये है कि वो भी उस अपराध में जहां ओनस ऑफ प्रूफ जो है वो एक्यूज के ऊपर है कि वो अपनी इनोसेंस प्रूव करे, वहां भी अगर आप इतना करा हमारे रहे हैं। साथ है प्रियंका जी, साइना एनसी ने कुछ योजनाओं का, परियोजनाओं का जिक्र किया था जिनको शुरुआती तौर पर लॉ एंड ऑर्डर को, खासतौर पर महिलाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए इनिशिएट जो है बंपर लेवल पर, मास लेवल पर किया जाता है, आगाज शानदार होता है, लेकिन कहां पर अधर में अटक जाती है सारी परियोजनाएं, क्योंकि जिस तरीके से हम जिक्र कर रहे हैं आंकड़ों का वो सीधे तौर पर इशारा करते हैं कि कहीं ना कहीं बड़ी चूक हो रही है, सिस्टम में फेलियर है और लगातार जारी है। बिल्कुल, देखिए जब
जब कोई प्रवक्ता, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आकर बोले कि सरकार पे लोगों का भरोसा बढ़ा है, वो सरासर झूठ है। आप दो काम कर सकते हैं सत्ता में रहकर, आप प्रिवेंशन कर सकते हैं। प्रिवेंशन किस तरीके से होगा कि आप अपनी जो लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था है उसको सशक्त करें और महिलाओं पे इस तरीके के अत्याचार ही ना हो। बिल्कुल। दूसरा है कि अगर इस तरीके का अत्याचार हुआ है तो जल्द से जल्द कन्विक्शन रेट हो। आप कन्विक्शन रेट के आंकड़े देख लीजिए, आप प्रिवेंशन कुछ हो नहीं रहा है, 100% आपका केसेस बढ़े हैं और कन्विक्शन रेट क्या है, 20%, 18%, महाराष्ट्र में तो शायद 10% पे है। तो ये बहाने बनाना मैं कहूंगी बहुत ही दुखद बात है कि महिला पहले कहती है महिलाओं को महिलाओं के साथ खड़ा होना चाहिए और फिर आकर डिफेंस देती है सरकार का। लेकिन मैं कहूंगी बहुत ही ज्यादा। लेकिन जितेंद्र यादव साहब, क्या आपको लगता है कि आप सवाल कर सकते हैं मौजूदा सरकार से सूबे में? क्योंकि याद कीजिए 2015 की वो कैग रिपोर्ट जिसने कहा कि जब आप सत्ता में आए, जब आप सत्ता में रहे, तब उत्तर प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ अपराध में 61% का इजाफा हुआ। गंभीर तो आप भी नहीं थे, ये कैग की रिपोर्ट है। अनुराग जी, उत्तर प्रदेश में 100 डायल की व्यवस्था करी अखिलेश यादव ने करी। ये जो कह रहे हैं कि पहले अपराध दर्ज नहीं होते थे, 100 डायल की व्यवस्था से अपराध दर्ज हो रहे थे। उत्तर प्रदेश के अंदर बड़े हैं, इसका मतलब साफ है कि सरकार का इंकबाल जो है वो उत्तर प्रदेश में कायम नहीं है। उत्तर प्रदेश में अपराधी भययुक्त हो गए हैं एकदम, कहीं पर भी शासन से लगता नहीं कि इन्होंने कोई ऐसी कार्रवाई की हो जिससे महिलाओं को मजबूती मिले। मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता महोदया से कि आप ये बताइए कि जब से सरकार आपने महिलाओं के उत्थान के लिए करा क्या है, आपका मेरिट पे क्या दरोगाओं को आपने पोस्टिंग किया है? आज 100 डायल की जो व्यवस्था होनी चाहिए थी समाज की सुरक्षा के लिए, आज वो पैसा वसूल करने पे लगे हुए हैं। इनका कोई ध्यान जिक्र कर रहे हैं उनकी महिला ऑपरेटर्स के साथ भी छेड़खानी की जानकारी मिलती आई है। विक्रम सिंह जी, आपका कितना इत्तेफाक है इसके साथ? जो भी हेल्पलाइन नंबर्स महिलाओं के लिए जारी किए जाते हैं, जारी किए गए हैं, उनकी महिला ऑपरेटर शिकायत लेके आती है कि भाई हमको भी नहीं बख्शा गया, हम यहाँ पर बैठे हैं सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए, हमारे साथ छेड़खानी हो रही है, कहाँ पर बचा जाए? निधि जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा, इस प्रकार की शिकायतें आती रहती थी और उसके बारे में कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई थी। मुझे चूंकि ये बताया गया कि वहाँ की ऑपरेटर्स भी सुरक्षित नहीं थी और इतने गैंग रेप हुए, इतने भयानक किस्म के अपराध हुए, फिर भी उसमें कोई प्रभावी ठोस कार्रवाई नहीं की। मैं केवल एक परामर्श देना चाहता हूँ कि निर्भया केस के बाद ये फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित किए गए थे, हर जनपद के 5 केसेस आप लेकर के उसमें आप फास्ट ट्रैक कोर्ट में डाल दें, उनकी कन्विक्शन 2 महीने में करवा दें, इसका कम से कम अपराध, ये मेरा दावा है, 60% कम हो जाएंगे अगर सजा हो जाए टॉप 5 केसेस में। ये सलाह है, ये सुझाव है साइना NCG के लिए। लेकिन साइना जी, एक चीज मैं आपसे और पूछना चाहूंगा, ये भी आंकड़े हैं और सरकारी आंकड़े हैं जो कहते हैं कि हमारे देश में 5 लाख पुलिस के पद खाली पड़े हुए हैं, अकेले उत्तर प्रदेश में 1.5 लाख से ज्यादा, इन्हें भरेगा कौन? और अगर इन्हें आप भरेंगे नहीं, नियुक्ति नहीं करेंगे, तो कैसे सुनिश्चित होगा कि महिलाएं सुरक्षित हैं? देखिए, आज प्रधानमंत्री ने जो योजनाएं बनाए हैं, CCTV कैमराज हो या एप्स हो, जहां एक महिला तुरंत उनको रुकना भी नहीं पड़ता है कि 100 नंबर पर फोन करें, वो अपने मोबाइल से ये तय कर सकती है कि उनका लोकेशन क्या है और उनको क्या परेशानी हो रही है। उत्तर प्रदेश की, एक सेकेंड, आप देश भर में सिर्फ उत्तर प्रदेश का उदाहरण लेते हैं, जहां बात उत्तर प्रदेश की होती है वहां पे 6 महीना में डेटा होना नहीं है। मैं समय पूछना चाहता हूं कि अपराध बढ़े हैं, आप इससे स्वीकार करेंगे नहीं करेंगे? कंप्लेन कर दीजिए, उसको उजागर करने की सलाह दी है, वो आपके कर्मी तक पहुंचेगा जब मौजूद होगा? चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने पब्लिक को भी रिक्वेस्ट किया है कि बाईस्टैंडर्स को भी शामिल होना चाहिए रक्षा, महिलाओं की रक्षा को करने, वहां भी आपने बहस की। मैं मानती हूँ कि ये पूरा मुद्दा जो है मानसिकता के ऊपर सबसे बड़ा प्रश्न उठता है, जो आप ठोप रहे हैं सरकार के प्रति। कन्विक्शन रेट जहाँ बड़ा है, जहाँ लोगों को विश्वास हुआ है, जहाँ लोग जा सकते हैं, उत्तर प्रदेश में बलात्कार जो समाधान है वो कर
कहीं ना कहीं हर बार गुम हो जाता है। विक्रम जी, आप क्या कहेंगे, क्या इनिशिएटिव होना चाहिए? इनिशिएटिव ये होना चाहिए, आप कोई बहुत क्रांतिकारी काम न करें, आप कोई क्रांतिकारी काम न करें। जहाँ कहीं बलात्कार होता है रासुका और यूपी गैंगस्टर्स एक्ट में चालान करें और चल अचल संपत्ति कुर्क करें, लेकिन वो भी नहीं हो रहा है जी। हमारी क्यों इतनी उदारता है बलात्कार? दूसरे, हम अपने परम विदुषी महिला पैनल से ये गुजारिश करेंगे कि केमिकल कास्ट्रेशन 12 मुल्कों में है, अब समय आ गया है कि इसको हिंदुस्तान में भी होना चाहिए। एक चीज और बता दीजिए विक्रम सिंह साहब, समय पूरी तरीके से खत्म हो रहा है। ये जो वीवीआईपी कल्चर है इस देश में, 600 से ज्यादा की आबादी पर एक पुलिसकर्मी है, लेकिन औसतन हर दो एक माननीय पर दो पुलिसकर्मी तैनात है। इस कल्चर को भी बदलने की जरूरत है। अभी देश की जो आबादी है और आधी आबादी है वो खुद को सुरक्षित महसूस करेगी। विक्रम सिंह साहब, एक अपराध बढ़े हैं, ये जो वीवीआईपी कल्चर है ये खत्म होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? एक तरफ अनुराग जी, 30% वैकेंसीज है हमारे यहाँ, उसके बाद उन वीआईपीज की सुरक्षा की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पे दिशा व्यवस्था दी है। 50,000 पुलिसकर्मी तैनात हैं। उत्तरदायित्व पुलिस की जिम्मेदारी पहले जनता की सुरक्षा करे और उसके बाद कोई और काम करे। अगर वातावरण सुरक्षित है तो नेता भी सुरक्षित, जनता भी सुरक्षित। अगर वातावरण में असुरक्षा है तो सभी असुरक्षित है। और सरकार और पुलिस की जिम्मेदारी है कि पहले सामान्य जनता की सुरक्षा करे, न कि अपराधियों की। बिल्कुल निधि, तो स्थिति की भयावहता समझ में आती है कि 20 से 30 पद खाली हैं फीसदी, और दूसरी तरफ जो तैनात है सिपाही वो माननीयों की सुरक्षा में लगे हुए हैं, तो आधी आबादी का क्या होगा?